हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकुंज है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है एआई की ओर से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 364 रहने वाली है और विदाउट गेट आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ग्रेजुएशन एंड इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। तो मैं पूरी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो एआई की ओर से आई है, जिसमें वैकेंसी 364 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करो तो आपने बी बी टेक एंड बी एस सी आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। लास्ट डेट की बात करो तो लास्ट डेट 2023 21 तक रहेगी। मीन्स आप जनवरी 2023 के 21 तक आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना क्लोज हो जाएगा। फाइनल ईयर एलिजिबल रहेंगे और फाइनल ईयर के लिए बहुत ही बढ़िया ये पोस्ट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो आपने बी बी टेक कम्प्लीट कर लिया होगा या फिर आप फाइनल ईयर में होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे और बी एस सी वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल में बात करो तो आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपने किया होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। मीन्स आपने बी एस सी कम्प्लीट किया होगा फिजिक्स से एंड मैथमेटिक्स से तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और फुल टाइम बी बी टेक आपने कंप्लीट किया है एनी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए सेमिस्टर्स सर्कुलम में। और दूसरी क्राइटेरिया की बात करो तो आपके 10+2 एंड 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात किया, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड फ्रेशर्स एलिजिबल, गेट रिक्वायर नहीं रहेगा। एज लिमिट की बात करूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर रहेगी एज ऑन बेसिस ऑफ 21 जनवरी 2023। और आप एस सी एस टी कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो उसकी डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो 22 दिसंबर 2022 रहेगी। तो इस मंथ की 2022 के डेट से आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और लास्ट डेट की बात करो तो 21 जुलाई 2023 रहेगी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम के बारे में अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हो तो आप www.ai.hero वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। पे स्केल की बात करूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 14,000 से लेके 1,40,000 तक की रहेगी। और भी एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे कि बेसिक पे, एचआरए एंड अदर बेनिफिट्स जो भी इंक्लूड रहता है, सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, सारे चीज़ आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में। द सीटीसी पर अन्नम वुड बी 18 लाख अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, 12 लाख रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड 11 लाख अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। अप्रोक्सीमेटली सीटीसी की बात करो तो 12 लाख का आपका सीटीसी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो उसके नेगेटिव मार्क नहीं कटेंगे। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट। एप्लीकेशन फ़ी की बात करो तो एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ रहेगी एंड एस सी एस टी पी डब्ल्यू कैंडिडेट एंड आपने अपेंडिस किया हुआ है एआई में तो आपको किसी भी तरह की फ़ीस भरनी नहीं रहेगी। इसकी जो लिंक है मैंने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ से जाके आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। आपको किसी भी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको इस अपडेट अच्छे लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। और शेयर जरूर से कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में इंजीनियर्स है और बीएससी कंप्लीट कर ली है तो आप उन लोगों को इस वीडियो रिकमेंड कर सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।